आपको सेट टू का सोल्यूशन बताऊंगा बेसिक्स के साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जी। सेट वन का मैंने सोल्यूशन कर दिया है, आप उन्हें जरूर देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। राइट द रोस्टर फॉर्म, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है ऑफ द सेट, इस सेट का एक सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x के बारे में बता दिया है कि आपको नेचुरल नंबर लेने हैं, नेचुरल नंबर है लेस देन 6, जो 6 से छोटे, ठीक है ना। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 से छोटे बोल दिया, लेस देन 6, ध्यान दीजिए, तो 6 से छोटा 5 ही तक होगा। तो ऐसा देखिए कोई सेट है क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ध्यान से देखकर टिक करेंगे, क्लियर है आपको। रोस्टर फॉर्म में यह होता है कि जो एलिमेंट को ब्रैकेट में लिखना और कोमा के साथ लिखना है ना, रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट, इसमें से कौन से जो सेट है वो फाइनाइट है ना, कौन सा ऐसा सेट है जो फाइनाइट है। तो पहली बात फाइनाइट को समझिए, है ना, फाइनाइट किसको कहते हैं, फाइनाइट सेट, ठीक है ना। तो वैसा सेट है ना, देखिए वैसा सेट जिसमें जिसका एलिमेंट जो हो ना वो काउंट किए जाए, काउंटेड एंड फिक्स्ड, जिसे मान लीजिए 1 हो 2 हो 3 हो, है ना, काउंट किए जा रहे हैं और फिक्स अंतिम में फिक्स होना चाहिए, मान लो कि 500 तक है या कुछ भी नंबर तक हो, जितना भी हो, है ना, फिक्स होता है, तो उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें देखिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट, इसमें से कौन सा जो है वो फाइनाइट है। पहली ऑप्शन देखते हैं, द सेट ऑफ मंथ, मंथ्स ऑफ द ईयर, है ना, मंथ्स ऑफ द ईयर, अब बोलिए साल का जो महीना गिनने सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं, है ना, जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च होता है, तो हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर बोल रहा है फाइनाइट सेट, तो इसको तो गिन सकते हैं, हमने बोला जो फिक्स होता है और जिसे गिन सकते हैं वही होगा। अब थोड़ा दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, 1 2 3 ... क्या फिक्स किया, नहीं, तो ये इनफाइनाइट होगा, गिन तो रहे हैं लेकिन फिक्स नहीं है कहां तक है सो, ठीक है, तो उसको हम लोग इनफाइनाइट बोल लेंगे, क्लियर ना। तो इसको टिक नहीं कर सकते क्योंकि हमको बोला था फाइनाइट कौन सा, उसको टिक करिए। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, तो 100 से बड़ा कितना तक, इसको भी टिक नहीं कर सकते, है ना, तो एक ही तो टिक करना होता है ना, ठीक है। द सेट ऑफ, याद के देख लेते इसको भी, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, आपको वैसा सेट है जो 5 का मल्टीपल है, जैसे 5, 10, 15, 20 कहां तक वो भी पता नहीं है, तो आपको कन्फर्म रूप से यही टिक होगा, क्लियर ना। बोला था फाइनाइट सेट कौन होगा, आपका यही होगा जो नंबर फिक्स हो जिसे गिना जा सके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ए बराबर वैल्यू दिया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा 10 तक दे दिया है, ठीक है। बी बराबर दिया 2 3 5 7, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालना, इंटरसेक्शन का मीनिंग मैंने बताया है कॉमन, ठीक है ना, जो कॉमन मिलता है ए और बी में, जो कॉमन मिलता है ना उसी को इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो पहली बात ए में कितना है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9, है ना, यहां तक कि 10 भी है, तो ए का सेट लिखा गया इंटरसेक्शन बी, बी कितना है जी, 2 है 3 है 2 3 5 है फिर 7 है। तो देखिए तो दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम लोग 2 लिख लेंगे, 3 इसमें भी है, यहां भी है, तो 3 भी काउंट कर लेंगे, अच्छा 4 है इसमें, 4 नहीं है, 5 देखिए 5 इसमें भी है, 5 यहां भी है, है ना, 7 है 7 है, ठीक है। तो यही सारे नंबर जो होंगे वो इंटरसेक्शन में आएंगे, दोनों में कॉमन मिलेंगे, क्लियर, 2 3 5 7, देखिए ऑप्शन होंगे 2 3 5 7 2 3 5 7, क्लियर ना। तो इंटरसेक्शन आप समझ में आ गया होगा आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इफ
एक्स एंड वाई आर टू सेट, दो सेट है एक्स और वाई करके नाम करके, है ना। नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई बराबर 18। देखिए ध्यान दीजिए कि नंबर्स ऑफ एक्स यूनियन वाई बराबर 18 दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ एक्स बराबर 8 दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ एक्स बराबर 8 दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ वाई बराबर 15 दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 15 आपको फाइंड करना है। देन फाइंड नंबर्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, देखिए नंबर्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू निकालना है जी, ठीक है। तो मैंने बताया है आपको कि नंबर्स ऑफ एक्स यूनियन वाई बराबर फॉर्मूला होता है ना, इसके बराबर पहले नंबर्स ऑफ एक्स प्लस नंबर्स ऑफ वाई, है ना, माइनस नंबर्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई होता है, क्लियर। अब जिसका वैल्यू आप जान रहे हैं, मालूम है, दिया है, उसको पुट कर लेते हैं यहां पे। नंबर्स ऑफ एक्स यूनियन वाई 18, नंबर्स ऑफ एक्स 8, नंबर्स ऑफ वाई 15, माइनस नंबर्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसका वैल्यू तो निकालना है, इसी रहने देते हैं। 18 का 18 बराबर कितना हो गया, 8 और 15 कितने हो गए, 23, माइनस नंबर्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये 23 इधर घटा देते हैं, 18 माइनस 23 हो जाएंगे, माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई इसी तरह से रह जाएंगे, 18 में से 23 घट गए, है ना, कितने बचेंगे, माइनस 5, माइनस नंबर्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो 5 बराबर कितने बचेंगे, नंबर्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, और इसी का वैल्यू निकालना था। तो नंबर्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू कितना निकला, 5, है ना, तो देखिए 5 आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2x, x + y बराबर 6, 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, आपको x और y का वैल्यू ज्ञात करना है ना। यहां पर देखिए इस ब्रैकेट में दो एलिमेंट दिया हुआ है, या दो नंबर समझ सकते हैं, हाँ इसमें भी दो नंबर है ना, तो हम लोग दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, मतलब 2x, x + y दिया हुआ है, 6, 2, है ना। आपसे पूछ रहे x और y क्या होगा, तो देखिए तो जी क्या पहले नंबर को पहले नंबर के बराबर लिख सकते हैं ना, 2x बराबर 6 लिख सकते, तो x बराबर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और y का भी देख लेते हैं, x + y बराबर कितने मिलेंगे, 2, x का वैल्यू मालूम है, 3 + y बराबर कितने हो जाएंगे, 2 का 2, तो y चाहिए मुझे, 3 इधर घटा लेते हैं, 2 - 3 बराबर कितने मिलेंगे, -1, दैट इज एक्स बराबर आपको 3 मिल गया और वाई के बराबर -1 मिल गया, है ना, 3 - 1, चलिए देख लेते हैं 3 - 1, देखिए है ना, पहले एक्स का होता है दूसरा वाई का होता है, ठीक है ना, तो 3 - 1, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 6, a बराबर 1, 2 दिया, b बराबर सेट दिया 3, 4, है ना, देन फाइंड बोल रहा है ज्ञात करो a क्रॉस b, है ना, a क्रॉस b निकालना है, तो a क्रॉस b पहले a का वैल्यू लिख लेते हैं, 1, 2 क्रॉस b का वैल्यू, b का वैल्यू 3, 4, ठीक है। तो गुणा करना बेहद आसान है, आप जो है ना गुणा करेंगे पहले 1 से सब में, है ना, इस सब में, तो 1 से जो गुणा करेंगे ना ऑर्डर पेयर में लिखते हैं उसका एलिमेंट, जैसे 1, 3, 1, 3 इस तरह से, फिर 1, 4, क्लियर ना। अभी 1 से तो कंप्लीट हो चुका, 2 से करेंगे 2, 3 फिर 2, 4, क्लियर है। अब सारे एलिमेंट को सेट में लिख दीजिए, कितने आ गए, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, देखिए आंसर मिल रहा है ना। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7, ए फंक्शन एफ इज डिफाइंडेड बाय एफ एक्स बराबर 2x - 5, यानी जो फंक्शन है वो एफ एक्स के रूप में डिफाइंड किया गया है, एफ एक्स बराबर
टू एक्स माइनस फाइव लिखा हुआ है। फाइंड करें, फाइंड एफ थ्री है ना, एफ माइनस थ्री। देखिए एफ माइनस थ्री का वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सिंपल सोचिए। तो एफ एक्स लिखा, यहां पर टू एक्स माइनस पांच दिया, अगर एफ यहां माइनस थ्री बैठा दें, एक्स की जगह पर क्या बैठा दें, माइनस थ्री पुट कर दें, टू इंटू माइनस थ्री हो जाएगा माइनस पांच का पांच। एक्स की जगह कितने क्या कर दिया मैंने, माइनस थ्री यूज कर लिया है ना, पुट कर दिया मैंने, तो कितने हो जाएंगे, माइनस सिक्स हो जाएंगे ये, और माइनस फाइव का माइनस फाइव, माइनस इलेवन आपके आंसर हो जाएंगे। देखिए आंसर है माइनस थ्री माइनस सेवन माइनस इलेवन है ना, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर एट, नंबर एट देखिए जी, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स है ना, डोमेन फाइंड करना है फंक्शन का, रूट ओवर नाइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए डोमेन जो होता है ना वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, यानी कि यहां पर रूट में पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव कहने का मतलब जीरो से बड़ा है ना, तब तो पॉजिटिव होगा। तो देखिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, नाइन माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कि जीरो से बड़ा होना चाहिए जो भी वैल्यू निकले है ना। तो हम लोग ऐसा दिखाएंगे, जीरो से बड़ा तब तो पॉजिटिव होगा ये वैल्यू, यही सेंस लेके चलेंगे कि ये वैल्यू जो है जो भी निकले वो जीरो से बड़ा है, तब तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू समझा जाएगा ना। तो क्या हम लोग अब ऐसा लिख सकते हैं, नाइन को थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर जी, नाइन को लिख सकते हैं थ्री का स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल जीरो कंडीशन जो है रहने देते हैं। इसको लिख सकते हैं थ्री माइनस एक्स ए माइनस बी और ए प्लस बी थ्री प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, प्रत्येक पार्ट इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि थ्री माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा सकते, और थ्री प्लस एक्स इस पार्ट को देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिखा सकते है ना। तो ये जो है माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, यानी थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री ये नंबर को इधर पॉजिटिव एक्स रखते हैं, पॉजिटिव में एक्स यहां रहने देते हैं, प्लस तीन जो है इधर लेकर आ जाते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, माइनस थ्री है ना जी। तो अब दोनों को कंबाइंड करके क्या लिख सकते हैं, दोनों को मिला करके, ये बात समझ में आ गया होगा है ना। देखिए अब दोनों को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स का वैल्यू माइनस थ्री से बड़ा होना चाहिए। देखिए और ऐसा सजा सकते हैं, माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स, ये बात हो रहा है कि नहीं, एक्स तो बड़ा है माइनस तीन से, देखिए एक्स बड़ा है माइनस तीन से, बराबर भी तो साइन वही है ना, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और इसको भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो तीन बड़ा है एक्स से, एक्स छोटा है, एक्स छोटा इक्वल टू थ्री। देखिए ये दोनों आप इंक्लूड कर सकते हैं कंडीशन को, माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स, देखिए है ना, माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स, ये कंडीशन यहां पर देखिए है ना, थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, देखिए थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है ना, ये आपका बिल्कुल होगा। तो इस कंडीशन को देखिए कहां पे है, माइनस थ्री, देखिए फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्लियर ना। एक बार और समझ लीजिए, आप आपने इसे दिखाया कि पॉजिटिव होने के लिए वो जीरो से बड़ा समझे, पॉजिटिव होने के लिए चाहे जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जीरो से पॉजिटिव होने के लिए जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने इसे ब्रेक किया ए माइनस बी और ए प्लस बी में, यहां तक बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अभी देखिए दोनों को इंक्लूड करके लिखे हैं जी, दोनों मिला करके है ना। इसको देखिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स, एक ही बात है, माइनस थ्री जो है ना छोटा ही है एक्स से है ना। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, फिर इसको देखिए इसको आप लिख सकते हैं थ्री बड़ा है एक्स से, तो एक्स जो है वो छोटा है थ्री से, देखिए इसको जो है दिखा सकते ना ऐसे करके। अब दोनों को मिला लीजिए, माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स, दोनों में कॉमन है एक्स है ना, लेस देन इक्वल टू, यही ऐसा लिखे हमने, समझे इसी को, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको हो जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे, एक्सप्रेस 240 डिग्री इन रेडियन मेजर, ये जो डिग्री दिया हुआ उसको रेडियन में बदलना, यानी कि पाई में लिखना होगा। तो देखिए बस आने 240 डिग्री है ना, तो डिग्री को रेडियन बदलने के लिए जो है ना पाई वो टेक्स वासी से खाली गुना करके लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आप काटता है तो काट दीजिएगा, जीरो जीरो कट गया है ना, छह से कटेगा,
6 3 6 24 6 3 18। तो कितना मिलेगा जी, 4π/3। रेडियन को सी से दिखाते हैं, सी भी लिख सकते हैं, ऐसे ना भी कोई दिक्कत नहीं। 4π/3 देखिए, 4π/3 है ना, ये आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ कॉर्टेक्स बराबर 3/4, कॉर्टेक्स बराबर दिया हुआ है 3/4 है ना, और हम लोग जानते हैं कॉर्टेक्स बराबर होता है या कॉट थीटा बराबर होता है b/p है ना, तो मैंने इसे लिख लिया। आगे देखते हैं, एंड x लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है ठीक है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x, तो cos x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए cos x का वैल्यू निकालना है, ठीक है निकल जाएगा, लेकिन पहले थोड़ा समझ लीजिए। ये कॉर्टेक्स दिया है ना, जिसका होता है b/p, तो b मेरे कितना हो गया 3, p कितना हो गया 4 है ना, 4, और यही तो h होता है ना हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस से निकालने के लिए क्या होता है, h बराबर होता है √p² + b² p मतलब 4 का स्क्वायर 16 और b 9, 16 9 25 25 करोड़ कितना निकल जाएगा 5, यानी हाइपोटेनस कितना मिल गया 5 है ना। तो मुझे जो निकालना है वो cos x है, तो cos x एंगल मान लेते हैं, cos x का फॉर्मूला क्या होता है, b/h है ना जी, b/h, तो b का वैल्यू 3, h का वैल्यू कितना है 5 है ना, 5 इतना हो गया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो क्वाड्रेंट बोल रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज होता है ध्यान दीजिए थोड़ा सा है ना। फर्स्ट में होता है जी ऑल फंक्शन पॉजिटिव, ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉस थीटा, जो भी फंक्शन होते हैं ना सभी फंक्शन प्लस में लिए जाते हैं। इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव लिए जाते हैं, सेकंड की बात करता ना, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू जो है ना वो प्लस में लेंगे, और थर्ड की बात करेगा तो इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव लिए जाते हैं, प्लस में लिए जाते हैं, बाकी सब माइनस में। तो आपसे पूछ रहा है cos x का वैल्यू बताइए किस कोऑर्डिनेट के सेंस में, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो थर्ड में तो tan और cot ना प्लस होता है खाली, तो यहां पर cos जो निकालेंगे वैल्यू तो माइनस में निकलेगा, तो इसको खाली माइनस लगा दीजिएगा ठीक है। तो देखिए आंसर -3/5 है, देखिए -3/5 क्लियर ना। तो थोड़ा सा इस सब चीजों को लिख लिया कीजिएगा है ना, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें होता है cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव, ये फोर्थ हुआ, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हुआ, क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। साइन 15 डिग्री बराबर क्या होगा, ठीक है तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालना। देखिए जी 15 डिग्री तो हम लोग जानते नहीं है, लेकिन बिल्कुल इवेल्युएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए साइन 15 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री - 30 डिग्री, 45 में से 30 घटेगा तो 15 ही तो आता है ना। अब देखिए थोड़ा सा एक बात बता दूं कि साइन ए माइनस बी के रूप में रहता है ना कोई एंगल, तो हम लोग लिखते हैं पहले इसको साइन ए वाला एंगल कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है इस तरह से एंगल बैठाते हैं। तो साइन ए मतलब यहां 45 डिग्री ले सकते हैं, इंटू कॉस बी कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ए कितना हो गया 45 इंटू साइन बी 30 डिग्री है ना। देखिए इसको ए मैंने बोला, इसे बी, क्लियर है। अब तो वैल्यू जानते हैं ना साइन 45 का 1/√2 होता है जी, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है ना, माइनस कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। अब इसको गुना कर लेते हैं 1 × √3 √3, बट इसको गुना करेंगे तो 2√2 आएगा, 1/√2, तो एलसीएम में कितने आ जाएंगे 2√2 ना, यस, तो √3 - 1 ये आपके आंसर हो जाएंगे, √3 - 1/√2। देखिए है इतना कि रेशन आज करना होगा, √3 - 1 कितना आया था जी, √3 - 1/√2, √3 - 1/√2 देखिए है ना, कभी कभी नहीं देता है ना ऐसा, तो अब इसको भी रेशनलाइज कर लीजिएगा ठीक।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। साइन 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x का वैल्यू क्या होगा? तो साइन 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x का वैल्यू पूछा है। तो एक बार जान लीजिए कि साइन 2x बराबर लिखते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, ये फॉर्मूला है जी, ठीक है। और 1 प्लस कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर x। तो इसको यूज कर लेते हैं, साइन 2x को क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, और 1 प्लस कॉस 2x का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x, 2 कॉस स्क्वायर x। देखिए कटेगा जी, यहाँ 2 कॉस है ना, तो एक कॉस एक कॉस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन बचा नीचे कॉस बचा, साइन बटा कॉस 10 होता है ना, तो टेन एक्स हो गया आंसर। देखिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ज्ञात करना है ऑफ द इक्वेशन टेन एक्स बराबर माइनस 1 बाय रूट 3। देखिए कितना आसानी से हम लोग निकालेंगे, टेन एक्स बराबर 1 बाय रूट 3 माइनस में, है ना। तो बनाने का सिंपल तरीका है जी कि आप tan x जो है ना, ये जो फंक्शन दे रहता है ना, उसी फंक्शन में इसका वैल्यू लिखिए पहले, माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। tan 30 डिग्री का होता है, यानी कि पाई बाय 6 लिख सकते हैं, ये हो गया। अब थोड़ा सा आ जाइए प्रिंसिपल आर्गुमेंट में, है ना, ये याद रखना होगा। ये होता है फर्स्ट, हमने बताया था, ये होता है सेकेंड, है ना, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ, ठीक है। इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आर्गुमेंट होता है इसमें थीटा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा। इसमें होता है पाई माइनस थीटा, इसमें होता है टू पाई माइनस थीटा, इसमें होता है टू पाई, सॉरी पाई प्लस थीटा इसमें होता है, इसमें टू पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। इसके इसमें होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा, नहीं नहीं ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, इसको बताया था मैंने अभी जस्ट, है ना। और इसमें होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, इसमें आपका टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो सर बोलेंगे ये सब बताने से क्या फायदा, है ना, यहां पर क्या काम है, है ना। तो देखिए वही बताना चाह रहा हूं, माइनस टेन थीटा, है ना, माइनस है ना, तो आपको ये बताना है कि टेन माइनस कहां कहां होता है। तो देखिए टेन जो है ना केवल यहां पर प्लस होता है जी, और बाकी इस यहां तो सब प्लस होता है, तो यहां इस क्वाड्रेंट में और यहां पर जो है ना वो टेन नेगेटिव होते हैं, जो साइन रहता है ना उसी साइन पे प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहां यहां क्या है, दोनों नेगेटिव होगा, मतलब टेन एक्स बराबर हम लिख सकते हैं इसके हिसाब से टेन पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पाई बाय सिक्स, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है और इस क्वाड्रेंट में, है ना, तो और क्या लिख सकते हैं, टेन कितना है इसमें टू पाई माइनस थीटा, थीटा कितना आपका पाई बाय सिक्स। देखिए टेन एक्स का टेन एक्स ये कितना हो जाएगा, छह पाई में से एक पाई कटेगा, तो टेन फाइव पाई बाय सिक्स, और छह पाई छह बारह पाई में एक पाई कट जाएगा, तो टेन ग्यारह पाई बटा सिक्स। तो आपको वैल्यू क्या मिल गया, एक्स बराबर आपको मिलेगा फाइव पाई बाय सिक्स या ग्यारह पाई बटा सिक्स, ये आपके आंसर होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए नेगेटिव था ना, इसलिए हमने ये सोचा कि टेन किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है उसके हिसाब से निकाला, अगर पॉजिटिव रहता ना तो बोलते हैं कि टेन कहां कहां पॉजिटिव होता है उसके हिसाब से उसके आर्गुमेंट लिखते, क्लियर समझे मत को। चलिए देखिए आंसर मिलाते, फाइव पाई बाय सिक्स ग्यारह पाई बाय सिक्स, फाइव पाई बाय सिक्स इलेवन पाई बाय सिक्स, है ना, ये आपका आंसर क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपको यहां पर जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है साइन थीटा बराबर माइनस रूट थ्री बाय टू, देखिए
साइन थीटा बराबर माइनस रूट थ्री बाय टू। तो पहले आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा माइनस का माइनस, साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है ये, तो साइन 60 डिग्री का होता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय सिक्स। क्लियर है, और भी लिख सकते हैं ऐसा, साइन थीटा बराबर इसको अगर पॉजिटिव में लिखना होगा तो किस क्वाड्रेंट में है ना, नेगेटिव है ना, तो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सब तो पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं और करके पाई प्लस थीटा करके है ना, यानी कि साइन थीटा बराबर, साइन कितना हो गया कितना डिग्री का होता है, एक सेकेंड, साइन 60 डिग्री का होता है जी, और 60 डिग्री को पाई बाय थ्री लिखते हैं है ना, क्लियर ना, तो ये देखिए कितना हो गया थ्री पाई, एक पाई कितना हो गया फोर पाई बाय थ्री है ना। देखिए आप ये ऐसा भी समझ सकते हैं जी, ये माइनस है ना साइन थीटा, तो हम लोग जानते हैं कि माइनस साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा, माइनस साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस थीटा। तो देखिए वही चीज को, माइनस साइन थीटा है ना, तो साइन पाई प्लस थीटा, थीटा मतलब पाई बाय थ्री है ना, वही यूज किया, दूसरे वे में समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब साइन थीटा बराबर ये साइन फोर पाई बाय थ्री हो गया, यानी कि साइन थीटा बराबर, अब एक फॉर्म आपको बताता हूं, इधर बता इधर, कि अगर साइन थीटा बराबर आपको साइन अल्फा हो, अल्फा मतलब कोई डिग्री कोई एंगल है ना, तो इसका जनरल सॉल्यूशन जानते हैं क्या लिखते हैं, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस वन के पावर एन अल्फा लिखते, एन पाई प्लस माइनस वन के पावर एन अल्फा है ना, अल्फा का वैल्यू, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस वन के पावर एन अल्फा, अल्फा यही ना हो गया फोर पाई बाय थ्री, ये आंसर हो जाएंगे आपके, देखिए तो एन पाई प्लस माइनस वन के पावर एन फोर पाई बाय थ्री आंसर है, एन पाई प्लस माइनस वन के पावर एन फोर पाई बाय थ्री, ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर ना, देखिए नेगेटिव था ना जी, उसी को इसलिए पॉजिटिव किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, आई के पावर माइनस 39 है, ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आई के पावर का वैल्यू कैसे निकालते है ना, पॉजिटिव पहले इसको बनाइए, पॉजिटिव बनाने के लिए पहले इसको आप बटे में लिख लीजिए, ठीक है, अब बटे में लिखा गया, अब देखिए पॉजिटिव बनाने के लिए क्या है ना, जितना पावर रहता है ना उसको चार से डिवाइड करिए हमेशा, अगर वो नंबर चार से बड़ा हो तब, उन्हें तो ऐसे जानते हैं वैल्यू आप लोग कि आई स्क्वायर रहेगा तो उसका यूज कर सकते हैं माइनस वन है ना, आई क्यू रहेगा तो आप उसके स्थान पर यूज कर सकते हैं माइनस आई, आई के पावर फोर रहेगा तो यूज कर सकते हैं वन है ना, और केवल आई के पावर वन रहेगा तो आई यूज करेंगे। अब देखिए इसको बनाते हैं, 39 को पहले चार से डिवाइड करिए, चार या 32, चार नंबर 36, तीन बज गए है ना, दशमलव में नहीं लाने, पॉइंट्स में नहीं लाने हैं, वन बटा, इसको आप अरेंज कैसे करेंगे, आई आई लिखिए, कितना से पहले डिवाइड किया था आपने, चार से, तो चार लिखो, भागफल कितना आया नाइन, शेषफल रिमाइंडर कितना बचा थ्री, तो थ्री जो भी बचता है ना उसको आई में लिखिए, ठीक है, वन बटा वन आई पर फोर, आई पर फोर वैल्यू वन होता है ना जी, तो वन के पावर नाइन होगा तो वन ही आएगा, इंटू आई का क्यू बराबर कितने होते हैं माइनस आई, तो वन बटा कितने होगा, वन इंटू माइनस आई हो गए ना, अब इसे जस्ट पॉजिटिव करने के लिए, यानी ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ये डायरेक्ट है ना, तो आपके आंसर मिलेंगे आई आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है ना, जेड जेड बराबर दिया हुआ फोर माइनस थ्री आई, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना जी, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने का मैंने आपको बताया है कि जेड के पावर माइनस वन लिखते है ना, तो वन बाय जेड लिख सकते हैं इसको, फिर इनवर्स का निकालने का यही है जेड के पावर माइनस वन,
और इसको लिख सकते हैं 1/z, तो 1/z का वैल्यू 4-3 आई। अब जब आई बटे में होते हैं तो रेशलाइज कर लेंगे, 4+3 आई, 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4+3 आई। ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्म है तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर में आप लिख सकते हैं, 4+3 आई बटे 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर 9 और आई स्क्वायर आएगा 9i2, माइनस का माइनस, 4+3 आई बटा, देखिए आई स्क्वायर वैल्यू -1 होता है जी, ये -9 है, गुणा करना है तो +9 हो जाएगा, 16×9=25, यानी कि ये आंसर लिख सकते हैं अलग अलग करके 4/25+3/25 आई, ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे 4/25, 3/25 आई। देखिए 4/25, 3/25 आई, ठीक है। आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखिए कैसे बनाना है आपको, क्या है कुछ ये ना, 4-3 आई है ना, जेड बराबर आपको ये जो भी है जेड है, ठीक है ना, जेड बराबर दिया हुआ, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है ना, तो जस्ट क्या करेंगे, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, ठीक, और इसका स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ दीजिए 25, उसका रूट 25 हो गया ना, बस 25 आंसर हो गया। फिर से एक बार सुन लीजिए, जो भी रहेगा नेगेटिव तो उसको पॉजिटिव कर लेना है, ठीक, और नंबर को चाहे माइनस में रहे या प्लस में उसका स्क्वायर कर लीजिएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हो गया 25, बटे 25 लगा दीजिए, जो भी नंबर रहेगा उसको लिख दीजिएगा, आपके आंसर यही थे ना, 4/25, 3/25 आई, ठीक है। आगे बढ़ते, फाइंड द मॉडुलस, 1+i/1-i दिया हुआ, जेड बराबर मैंने लिख लिया क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से ही ज्यादातर दिखाते हैं ना, सी भी लिख सकते हैं लेकिन जेड हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो अब इसको रेशलाइज कर लिए, पहले कर लीजिए, ये दिया हुआ 1+i लिख सकते हैं, 1+i, इसका a माइनस बी और a प्लस बी में ब्रेक कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर -i का स्क्वायर, गुणा करिए 1 × 1 = 1 × i + i + i² हो जाएगा ना, 1 और i हो गया 2i, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, लिख लेते हैं 1 का 1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, माइनस है तो +1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो देखिए कितने बचे, 2i/2 कट गया, यानी जेड बराबर कितने मिले जी, जेड बराबर मिले आपको i, लेकिन मॉड निकालना था ना, तो मॉड को इस तरह दिखाते, और ये होता है रूट ओवर करके, है ना, रूट ओवर करके नंबर का स्क्वायर, यानी आई वाला कितना नंबर है 1 का स्क्वायर, और जो बिना आई वाला होता है ना उसका भी नंबर, तो यहाँ तो है ही नहीं, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का रूट कितना होगा, 1 ही आएगा ना, इसका 1 मोड 1 आया, देखिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 18, इफ x+iy+2-3i=4+i दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, x+iy+2-3i=4+i ना, ठीक है, तो मुझे x और y का वैल्यू निकालना है, तो देखिए कितना सिंपल है, आप इससे पहले अच्छे से लिख लो, जो बिना नंबर बिना i का है उसको एक जगह लिख लो, x+2, इसमें आई है इसमें भी आई, तो आई को एक जगह लिख ले, कॉमन लेते हैं आई, आई जब कॉमन लेने तो बचेगा वाई, या बचेगा -3 बराबर कितना 4+i। इसके बाद देखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, तो रियल पार्ट यह हुआ जो बिना आई वाला है ना, x+2
बराबर देखिए कितना है इधर 4, तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर इधर प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस बचेगा 2, है ना जी। ठीक है, ये तो बचेगा। नेक्स्ट देख लीजिए y के लिए, i का यहाँ नंबर है y माइनस 3, i का नंबर यहाँ 1, y बराबर इधर हो जाएगा 4, तो पॉइंट सबको क्या मिले 2, 4, है ना जी 2, 4। देखिए आंसर, x का वैल्यू हम लोग कितना आया 2 आया, y का 4 आया, x का 2y 4। देखिए ऑप्शन गलती दिया हुआ जी, ठीक है ना, क्योंकि आप जब प्लस दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गलती है। ठीक है, आप x बराबर कितना निकला 2, y बराबर ठीक है ना 4, ये आपके आंसर हो जाएंगे श्योर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्योंकि ये जो है ना फंक्शन, यहाँ प्लस दिया हुआ, यहाँ पर कोई दूसरा चीज दिया रहता तो आगे सॉल्यूशन दूसरे टाइप से होता है ना, लेकिन आपका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ, आपको इसका रूट्स निकालना है जी। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 3 आएगा तो माइनस 3, है ना, एक्स बराबर रूट ओवर माइनस 3 लिख सकते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा ना इधर। तो रूट जब बताया मैंने कि रूट में जब माइनस रहता है ना तो उसके लिए आयोटा यूज करते हैं, आई यूज करते हैं, तो रूट से जब भी निकलेगा तो प्लस माइनस निकलेगा रूट 3 आई। ठीक है, क्योंकि जब भी रूट से जब भी कुछ होता है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 4 होता है तो एक्स बराबर रूट ओवर 4, है ना, तो जो 4 के लिखते हैं ना वो प्लस माइनस 2 लिखते हैं, जो रूट निकलता है तो, लेकिन प्लस माइनस तो होता है रूट से निकलता है तो, ठीक है ना। तो इसी बात से रूट में माइनस था उसके लिए आई यूज किया, रूट 3 का रूट 3 प्लस माइनस किया, पॉजिटिव ही नेगेटिव ही होगा, स्क्वायर रूट से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 3 आई, देखिए है प्लस माइनस रूट 3 आई। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2 दिया हुआ, इफ एक्स इज एन इंटीजर, है ना, तो इसका कौन सा कंडीशन सर्टिफाई करेगा। तो देखिए इसको सिंपल से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, 8 को इधर लेके आ जाइए, 3x कंडीशन जो है साइन वही रहेगा, 8 इधर आएगा तो 2 - 8 लिख सकते हैं, 3x ग्रेटर देन 2 में से 8 कटेगा माइनस 6, 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो x ग्रेटर देन 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 - 6 - 2। ठीक है, तो बोला था इंटीजर बोला है ना, तो इंटीजर जो है माइनस 2 से बड़ा लेना है, तो माइनस 2 से बड़ा क्या होगा, देखिए आपको दिखाता हूँ लाइन पे, यहाँ पे 0 होता है, इधर -1 - 2 - 3, है ना, इधर 1, 2, 3, यहाँ पर पॉजिटिव, इधर इधर जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटिव, इधर जाएगा तो नेगेटिव इन्फिनिटिव, है ना। तो x का वैल्यू बोलता है -2 से बड़ा लो, तो -2 है ना, -2 से बड़ा क्या होगा, -1, ये सब है ना इधर बड़ा, यानी कि -1, 0, 1, 2, 3 up to infinitive, ये नंबर होंगे, क्लियर है, देखते हैं आंसर हम, -1, 0, 1, 2, 3 है ना up to infinitive, डॉट डॉट कर दिया इन्फिनिटी तक ही होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 5 बराबर व्हाट, क्या होगा। ठीक है ना, तो फैक्टोरियल 7 जो है घटाना है ना इसमें, तो ऐसे आप घटा नहीं सकते, ठीक है ना, तो सबसे पहले फैक्टोरियल 7 का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो इसको जो हम लोग लिखते हैं जी प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे मतलब 7 हो गया, फिर 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 तक, है ना, माइनस फिर 5 को इसी तरह से लिखेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब देखिए तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5, 4, 3, 2, 1 इसमें भी है, 5, 4, 3, 2, 1 इसमें भी है, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो निकाल ही सकते हैं ना कॉमन,
इतना निकल जाएगा तो 7×42 बचेगा यहाँ पर माइनस, ये निकल जाएगा तो 1 बचेगा, है ना जी। और नहीं तो देखिए गुणा कर सकते हैं, इसको गुणा करके लिख लीजिएगा, इसका गुणा करके लिख लीजिएगा, घटा दीजिएगा, वैसे भी हो जाएगा। और नहीं तो 20 तो देखिए 5×20 20 × 60 60 × 120 120 × 1 120 से आएगा गुणा, 42 में से एक घटेगा तो 41। अब 41 को 120 से गुणा कर दीजिए तो मिलेगा 41 × 40 कितना जाएगा जी, इधर देखिए गुणा करते हैं 120 × 41 एक से गुणा करेंगे 0 में 0 या 1 से 2 1 1 1 0 4 × 8 4 × 4 0 2 9 4 है ना 49 20 49 20 ठीक है 49 20 देखिए आंसर है 49 20 ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा जी। फाइंड आर, आर का वैल्यू फाइंड करना है आपको। इफ 5 PR 5 PR बराबर दिया हुआ है 2 × 6 PR-1 ठीक है, तो इसका वैल्यू आर का वैल्यू निकालना है कितना निकलेगा, कितना होगा ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि NPR ऊपर वाले N बोलते हैं पी आर परमुटेशन आर, तो इसको लिखते हैं फैक्टोरियल N, N का फैक्टोरियल, फिर दोनों को घटा कर लिखते हैं यानी कि N-R ठीक है, ये फॉर्म होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5-R 2 × 2 इसको लिख लीजिए, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6-, इसी को घटाते हैं ना, R-1 फैक्टोरियल 5 ठीक है, फैक्टोरियल 5-R ये भी रहने दिया अभी मैंने 2 × 2 देखिए 6 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, पहले 6 लिखेंगे उसके बाद 5 है ना, उसके बाद 4 आता है लेकिन 5 तक ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि यहां यहां कटने वाला हो जाएगा इसीलिए। अब नीचे देख लेते हैं 6 का 6 देखिए जी माइनस आर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा है ना, तो ये से काट देते हैं, दोबारा बचा 1/5-R बराबर 2×12 ना, फैक्टोरियल 6 और 1 कितने हो गए 7-R। अब हम लोग ये कर सकते हैं इस तरह से क्रॉस गुणा है ना, फैक्टोरियल 7-R बराबर लिख सकते हैं 12×12 ये इधर आ जाएगा, फैक्टोरियल 5-R। आप ये बताइए कि बड़ा कौन सा है 7-R कि 5-R, बिल्कुल 7-R है ना, तो इसको फैक्टर करिए है ना, मतलब प्रोडक्ट में लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले लिखेंगे 7-R फिर एक कम होके आएगा, तो कम होगा तो कितना हो जाएगा 6-R फिर एक कम होगा तो कितना हो जाएगा 5-R। इसको यहीं तक रख लेते हैं फैक्टोरियल में, 12×12 फैक्टोरियल 5-R देखिए इससे फायदा क्या हुआ ना, फैक्टोरियल 5-R यहां से यहां कट जाएगा ठीक है, 7-R × 6-R 12 को 2 पार्ट्स में आप लिखिए, 2 ऐसे प्रोडक्ट में लिखना है कि जो जिसमें एक का अंतर हो है ना, पहले बड़ा नंबर उसके बाद छोटा नंबर होना चाहिए, क्योंकि देखिए 7-R है 6-R एक का अंतर है, पहले बड़ा है उसके बाद छोटा है, तो इसको उसी तरह लिखेंगे, पहले 4×3 लिख सकते हैं, 4×3 = 12 भी होता है ना। आप सोच रहे होंगे सर मैं 6×2 लिखने का चाह रहा था, 6×2 = 12 तो हो रहा लेकिन दोनों के बीच में एक अंतर है क्या, है ना, तो ये आपका गलत हो जाता है। यहाँ की कंडीशन के हिसाब से हम लोग यहाँ ब्रेक करते हैं, ये आपको सिंपल सा फॉर्म आपको बताया, मेथड बताया, तो प्रत्येक पार्ट अपने पार्ट के बराबर लिखेंगे, 7-R = हम 4 लिख सकते हैं, 4 इधर कटेगा तो 7-4 = आर इधर आ जाएगा यानी कि 3, आर के वैल्यू क्या मिल गया 3 ठीक है ना। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं 6-R = सेकेंड पार्ट 3 है, 3 इधर लेकर आ जाइए, 6-3 = क्या हो जाएगा आर, 3 = आर
है ना, दोनों। तो आर का वैल्यू आपका कन्फर्म 3 होगा। देखिए आर का वैल्यू 3, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, है ना। इंडिपेंडेंट वर्ड्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको निकालना है, यानी परमुटेशन इसके निकालना होगा। लिख लेते पहले INDEPENDENCE, है ना। देखिए तो कितने लेटर है जी, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, तो 12 का फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, कोई रिपीट है क्या, कोई टर्म मतलब लेटर जो है वो रिपीट है, रिपीट करने मतलब एक से दो बार लिखा गया, एन यहां पर एक बार, दो बार, तीन बार, तो उसको लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल। और है तो देख लेते हैं, D, 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 2D, 2D, ठीक है। अगर नहीं रिपीट रहता है तो फैक्टोरियल निकाल लेते बस, ठीक है। लेकिन रिपीट रहेगा ना, मतलब वो लेटर बार बार लिखा रहेगा ना, तो जितना टाइम्स लिखा रहेगा उसको नीचे फैक्टोरियल लगाएंगे, ठीक है। अच्छा ई, ई देखिए 1, 2, 3, 4 फैक्टोरियल, 4, क्लियर। अब जो एक बार है उसको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। फैक्टोरियल 12 को ब्रेक करिए, 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 चार तक रहने देते हैं फैक्टोरियल करके, ठीक है, क्योंकि नीचे कटने वाला होगा ना। 3 को तोड़ लीजिए, 3 × 2 × 1, 2 को तोड़ दीजिए, 2 × 1, 4 को रहने देते हैं, ये सही कट गया। अब काटते हैं जी, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, है ना, ये 12 आएगा इतना, अब 12 से 12 ये कट जाएगा, अब मिला क्या, है ना, 11 × 99 = 990 हो जाएगा यहाँ, कितना का, इंटू 8 × 56 × 6 = 30, है ना। अच्छे से पहले हम लोग गुणा करेंगे आराम से, 990 है, इसका गुणा कर लेते हैं, 6 × 3 = 18 × 8 बच गया, 1 × 5 = 15 × 16, है ना जी। अब इसको आपस में गुणा करते हैं, यानी कि 1680 है, 990 से गुणा करना, 99 से गुणा करते हैं ना, अब ऐसे करते हैं ना, 0 अभी हटा के रखते हैं, 1 0 1 0 2 0 हो जाएगा साइड में, है ना। कहने का मेरा मकसद क्या है कि ये नंबर और ये नंबर से गुणा कर लीजिए, 168 × 99 से गुणा करते हैं, तो 9 × 8 = 72 × 2 = 7, 9 × 6 = 54, 54 × 7 हो गए 61 कि 1 × 8 = 6, 9 × 9 = 16, ठीक है ना। तो इसको दोबारा फिर से गुणा करेंगे, 2 × 1 = 6, 1 आएगा, गलती तो नहीं हो रहा, देख लेते हैं जी फिर से, 9 × 72 = 2 = 7, ठीक है ना, 9 × 6 = 54 × 7, 61 × 1 = 6, 9 × 9 = 15 होगा, है ना, इसलिए आराम से करना चाहिए। तो इसको होगा 2, 1, 5, 1, ठीक है ना, 2 × 1 = 2, 3, 3 × 5 = 6, 6 × 1, यानी कि 16 × 63 = 2 आया, है ना। तो इसके बराबर होगा 16 × 63 = 2 आया, है ना, 1 0 1 0 2 0 2 0 बैठा दीजिए, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, 16 × 63 = 200, देखिए 16 × 63 = 200, है ना, इस तरह से कैलकुलेशन अपने हैंड का है जी ना, आराम से करेंगे, ठीक है, इस तरह बनाएंगे। आगे बढ़े 24 देखिए, या NPR इज इक्वल टू सिंपल सा है NPR, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि NPR को किस तरह से पहले करते हैं, फैक्टोरियल n लिखते हैं और दोनों को घटा के लिखते हैं, फैक्टोरियल n − r, ठीक है। तो देखिए तो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n − r, देखिए ये आपका हो जाएगा, है ना, इस तरह से ये फॉर्मूला ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25,
द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस 5 बटा वाई के पावर 10 दिया हुआ, 3x माइनस 5 बटा वाई के पावर 10, ठीक है ना। तो इसके कितने टर्म आएंगे, तो मैंने बाइनोमियल में बताया था जी कि जितने भी पावर रहते हैं ना उससे एक ज्यादा टर्म बनता है, यानी टर्म इसके बनेंगे आपके 10 प्लस 1 यानी 11 टर्म बनेंगे, ठीक है। देखिए है ना, फिर भी आपको यहां समझा देता हूं मैं आपको, है ना, 11 टर्म बने। देखिए मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है तो कितना टर्म बनेगा, दो को तो नहीं बनेगा, तीन को बनता है ना। देखिए ए स्क्वायर बनता है, बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब पावर दो है तो एक ज्यादा बना कि नहीं, एक दो तीन, तीन को बना, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि 10 है तो इसका एक ज्यादा बनेगा, 11 टर्म बनेगा, ठीक है। इसे बेसिक रूप में हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं बाइनोमियल को, है ना, बाइनोमियल में बताया मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाइनोमियल का बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 27। द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x के पावर 10 इज, है ना, कितना इसका मिडिल टर्म होगा। तो देखिए किस तरह से मिडिल टर्म निकालेंगे, ए नंबर आप पहले लिखेंगे कितना है 10, ये इवन नंबर है, और जब इवन नंबर आता है ना तो इसका मिडिल टर्म निकालते हैं, मिडिल टर्म जो निकलता है ना वो होता है एन बटा दो प्लस वन करके टर्म, ठीक है। तो एन मतलब 10 बटा दो प्लस वन, दो पच दस पांच चार छह, सिक्स्थ टर्म आपको वैल्यू निकालना होगा जो मिडिल टर्म निकलेगा, तो इसलिए टी सिक्स, ठीक है ना, टी सिक्स मतलब एन सी आर के फॉर्मूले बैठाइए, तो एन मेरा कितना है 10, है ना, टेन सी इसका एक कम लेते हैं 5, ए के पावर ए कितना है एक्स स्क्वायर, है ना जी, एक्स स्क्वायर के पावर दोनों घटाइए 10 में से 5 घटेगा 5, बी बी कितना है 2x माइनस 2x माइनस 2x, ये जो पावर है ना ये r, उसी को यहां लिखते हैं। अब इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, टेन सी फाइव का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं जी, तो यहां पर c है तो इसके लिए फैक्टोरियल 10 लिखेंगे, यहां देखिए परमुटेशन है कॉम्बिनेशन है तो इसका फॉर्मूला अलग होता है, फैक्टोरियल 5 उसके बाद फैक्टोरियल 10 माइनस 5 का घटा कर लिखते हैं इस तरह से। तो 10 का फैक्टोरियल अभी रहने देते हैं, 5 का फैक्टोरियल 10 में से 5 घटेगा 8 का फैक्टोरियल, अब इसको ब्रेक करिए, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने फैक्टोरियल 5 तक, फैक्टोरियल एक 5 रहने देते हैं एक तोड़ देते हैं, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 कट गया, 5 दुनी 10 कट जाएगा, 4 से 4 दुनी 8 कट जाएगा, 3 से 3 तिया 9 कट जाएगा, यानी कितना मिला 3 दुनी 6, 3 दुनी 6 गुने 7 गुने 6 है ना, 6 गुने 7 गुने 6 ये नहीं बचेगा जी, यस। अब देखते हैं यहाँ पे x के पावर कितने हो जाएंगे, दो पच दस, है ना, ये देखिए माइनस दो है, माइनस दो के पावर 5 होगा, माइनस हो जाएगा दो के पावर 5 बटा एक्स के पावर 5, एकदम इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आराम से बनाने की जरूरत है, ठीक है। 6 7 42 42 6 252 एक्स के पावर कितना है 10 है इंटू माइनस दो के पावर 5 यानी माइनस आ जाएगा 32, है जी, बट्टा एक्स के पावर 5, एक्स पावर 5 10 से कट जाएगा 5 बचेगा, 252 को माइनस 32 से गुना करिए तो आ जाएगा माइनस 80 64, ठीक है। एक्स के पावर कितने बचेंगे 5, ये आप कैंसिल हो जाएंगे जी, अब देख सकते हैं, है ना, कैलकुलेशन करके माइनस 80 64 एक्स के ऊपर 5, देखिए आंसर क्या, माइनस 80 64 एक्स के ऊपर 5 है ना आंसर, ठीक है। तो आपको इस तरह से बनाना है, इवन नंबर रहेगा तो
तो उसका मिडिल टर्म क्या निकलेगा, एन बटा दो प्लस वन एथ टर्म करके, तो एन बटा दो मतलब दस बटा दो पांच हो गया छठा टर्म, और छठा टर्म निकालने के लिए हम लोग एक कम लेते हैं आर को, है ना। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। फाइंड द 15th टर्म, पंद्रहवा पद निकालना है ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस, है ना, एपी का 3, 3, 8 फिर 13 फिर है 18, है ना, इस तरह करके पंद्रहवा टर्म, पहला इतना दूसरा इतना तीसरा, है ना, इस तरह चौथा, पंद्रहवा कितना होगा वो निकालना है। तो देखिए ए बराबर कितना आपको 3, डिफरेंस कितने का है 8, 5, 13, 3, 5, 8, है ना, 5 का, और एन बराबर कितना टर्म निकालना है, पंद्रहवा टर्म। तो जी हम लोग जानते हैं कि ए 8, 15 बराबर है ना, पहले एन समझ लीजिए, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन मतलब लास्ट टर्म होता है, ठीक है ना, तो लास्ट टर्म को 15 ही निकालना ना, तो ए 15, ए कितना है, ए आपका 3 है, एन 15 माइनस वन, डिफरेंस कितने का 5 का, है ना, तो इस तरह सबका निकल जाएगा 3 प्लस 15 में से घटेगा 14 × 5, 14 × 5 = 70, तो 70 और 3 कितने हो गए 73, है ना, 73 आपके आंसर हो जाएंगे 73, यस, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ये जो सीरीज दिया उसको जोड़ना है, तो 82 + 80 + 78 + ... यहाँ दिया 32 तक, ठीक है ना, तो पता नहीं इसमें कितनी टर्म है, है ना, तो आपको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए ए चाहिए, है ना, एन चाहिए और लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म तो मालूम है, देखिए सोल्यूशन किस तरह से करेंगे, सम किससे निकालेंगे, है ना, ए और आप पहले लिख लीजिए 82 है, डिफरेंस कितने का 2 का, माइनस 2 का, ये घट रहा है ना, और एन जो लास्ट टर्म दिया हुआ है वो 32 दिया हुआ है, लास्ट अंतिम इतने है ना, तो हम लोग अभी जस्ट सीखें कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो 32 बराबर ए का वैल्यू 82, एन मुझे चाहिए निकालना, डिफरेंस माइनस 2, एन निकल जाएगा, उसके बाद सम निकाल लेंगे, है ना, 32 बराबर 82, इसको गुना कर लेते हैं, माइनस 2n प्लस 2 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 82 और 2 = 84, है ना, तो 32 है माइनस 82 और 2 = 84, इधर घटेगा तो माइनस 84 लिख सकते हैं, बराबर माइनस 2n, हम घटा लेते हैं, तो ऐसे घटाते हैं ना, 84 में से 32 घटा के माइनस लिख लेते हैं खाली, है ना, 4 में से 2 घटेगा 2 और फिर 8 में से 3 घटेगा 5, यानी कि जो भी नंबर है वो माइनस में आएगा, -52 - 2n, 2 से 12 लगा दीजिए, 2 × 3 = 4, 6 × 26 = 52 होता है, यानी कि 26 टर्म है आपके पास, 26 टर्म को जोड़ना है, है ना। तो देखिए सम निकालने का फॉर्मूला होता है जी, एसएन बराबर होता है एपी का, है ना, एन बटा दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, तो एन मिला मिल चुका 26/2 2a, a का वैल्यू आपके पास 82 प्लस एन माइनस वन 26 - 1, डिफरेंस कितने का माइनस 2 का, ये कट जाएगा तो 13 आ जाएगा, 13 82 × 2 = 4, 8 × 16 = 64, 26 में से 25 × 2 = 50, यानी -50, 13 × 64 है ना, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 50, 13 × घटा लीजिए जी, 4 में से 0 कटेगा 4 ही बचेगा, 5 में 6 में से 5 कटेगा 1, 114 है ना, 114 को 13 से गुना करिए
तो 114 है, 13 से गुणा करना है, 3 × 12 का 2 हाथ बच गया 1, 11 × 33 134, 4 × 1 = 2, 8 × 4 = 1 कितना आया 1482 है ना जी, 1482 ये आपके आंसर होंगे, 1482। देखिए 1482 देखिए है ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 15 और -7, 15 और -7 के बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना ए। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है जी a+b/2, ये कितना है 15, b कितना है -7 - 7/2, तो 8 बचे / 2 से काट दीजिए कितना आएगा 4, तो 4 इसका आंसर है, यस 4, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द जीएम है ना, ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है जीएम का रूट ओवर ए बी है ना, तो 4 और 16 का 4 × 16 लिख देते हैं, 16 × 64 और 64 का रूट कितना होता है जी है ना 8 × 64 8 होता है, तो इसका 8 होना चाहिए, यस 8। चलिए आगे बढ़ते हैं 32, इफ वैल्यू ऑफ आर इज मोर देन 1, ये नहीं बोलता है आर का वैल्यू रेशियो जो है कॉमन रेशियो आर का वैल्यू जो है 1 से बड़ा, या देखिए दैट इज करके बोल दिया आर, आर जो है ग्रेटर देन 1 है ना, यानी 1 से बड़ा है, ठीक है। देन एसएन विल बी, देखिए सम निकालना है जी है ना, तो एसएन का फॉर्मूला होता है a(r^n-1)/r-1, ठीक है ना, जब आर बड़ा होता है 1 से, ठीक है, अगर आर छोटा दे दिया तो एसएन बराबर होता है a(a)(1-r^n)/1-r, ठीक है, जब आर छोटा हो, तब से बोला आर के आर बड़ा हो 1 से तो एसएन पूछ रहा था, तो एसएन बराबर होता है a(r^n-1)/r-1, देख लेते हैं, देखिए a(r^n-1)/1-r है, कहाँ चले गया, ऑप्शन ये होगा ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ये गलत प्रिंट है जी, r-1 होगा ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा r-1 होगा, क्लियर ना, प्रिंटिंग कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इफ 1/3, x1, x2, 9 आर इन gp, देन x2 बराबर क्या होगा, x2 का वैल्यू पूछ रहा है इसका वैल्यू, ठीक है ना, तो देखिए जीपी है ये है ना, तो जीपी है तो हम लोग पहले 3 का काम लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि सपोज ये ए होता, अगर बी होता इसे सी मान लेते, ठीक है ना, तो b²ac होता है जी, ठीक है जीपी का कंडीशन, तो बी मतलब हम लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर बराबर ac, यानी a में ना 1/3, सी कितना है x2, ठीक है ना, मतलब हम इसको लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर बराबर x2/3, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उसी सेंस में उसी तरह से अगर हम ये 3 नंबर ले, ठीक है ना, इसको ए बोले, इसको बी बोले, इसको सी बोले, तो इस नंबर का स्क्वायर यानी कि x2 का स्क्वायर बराबर इस नंबर और इस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, है ना जी, लिख सकते हैं ना x1 × 9, क्लियर ना, तो हम लोग आपको सॉल्व x2 हम लिख सकते हैं x2 का स्क्वायर बराबर x1 × 9, है ना, ये तो है ना, क्या ये इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2, देखिए क्या करते हैं, देखिए तो जी अगर हम ऐसा करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, इसी को और एक बार और स्क्वायर कर दूं,
क्या लिखा जाएगा, एक्स टू था, एक्स टू तो था स्क्वायर था, स्क्वायर कर देंगे फोर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्यासी, है ना। तो एक्स टू का पावर फोर बराबर एक्स वन का स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, एक्स टू बाय थ्री लिख सकते हैं, एक्स टू बाय थ्री इंटू 81, तीन से कटेगा 27, या इक्यासी होता है, एक्स टू से एक्स टू उड़ जाएगा, तीन बचेगा, यानी कि एक्स टू का क्यू बराबर 27, एक्स टू का क्यू बराबर 27 लिख सकते हैं, तीन का क्यू मिल गया, है ना। बेस देखिए, पावर जब सेम होता है तो बेस भी सेम हो सकते हैं, एक्स टू बराबर कितना हो जाएगा 3, क्लियर ना, एक्स टू का वैल्यू कितना होगा 3। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पहला मैंने इससे एक्स वन निकाल लिया, ठीक है ना, इस तरह करके फिर सेम कंडीशन लगा के इसको आगे मॉडिफाई मैंने किया है, तो एक्स टू बराबर 3 आंसर है, थ्री है ना आंसर, यस, ठीक है जी। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप निकालना है, मान लीजिए ढाल है 3 है, माइनस 2 है, 3 है, 4 है, इसका स्लोप निकालना, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, ये स्लोप का फॉर्मूला है, स्लोप बराबर, स्लोप को एम से भी दिखाते हैं, वाई टू कितना है 4 है, वाई वन माइनस टू तो ये हो जाएगा माइनस टू, लिख देते हैं, एक्स टू 3 माइनस एक्स वन, एक्स वन आपका 3, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2, 3 में से 3 कट गया 0, लीजिए 4 2 6 हो गया, 6 बटा 0, देखिए 0 से कोई भी नंबर को भाग देंगे, भाग देंगे तो इनफिनाइट होगा, यानी कि इसको पॉसिबल ही नहीं है, इनफिनाइट हो रहा, नॉट पॉसिबल, ये नॉट एग्जिस्ट, इसका स्लोप नहीं निकल सकता। देखिए क्या लिखा, 0 है, 4 है, 6 है, नॉट डिफाइंड, देखिए आंसर दिया है ना, नॉट डिफाइंड मतलब डिफाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि इनफिनाइट हो गया ना, क्या आ गया, इनफिनाइट, तो नॉट पॉसिबल या स्लोप हो ही नहीं सकता जो इनफिनाइट हो जाए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।